अरे रमेश, यहाँ आओ। जी मालकिन। जी मालकिन। रमेश, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और ये रहे कुछ पैसे, तुम अपने गांव चले जाओ। मालकिन, गांव जाके मैं क्या करूंगा? ऐसा करिए ना कि आप लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर से हो आइए, तब तक मैं आपके घर में यहीं रह लेता हूँ। रमेश, तू अपने गांव जाने से इतना कतराता क्यों है? हाँ रमेश, पिछले 5 साल से तू हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, पर मैंने आज तक भी तेरे मुँह से गांव का नाम तक नहीं सुना। और वैसे भी हम घर लॉक करके जाने वाले हैं, तो तुम रहोगे कहाँ? हाँ मालकिन, आप सही कह रही हैं। मैं तो भूल ही गया था कि घर के सारे मालिक बाहर घूमने जा रहे हैं, तो फिर मेरा अकेले इस घर में क्या काम? कोई बात नहीं मालकिन, आप ताला लगा दीजिए। मैंने साफ सफाई कर दिया है, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ रमेश, हम वैसे भी एक हफ्ते में वापस आ ही जाएंगे, तुम भी अपने काम पर वापस आ जाना। ठीक है मालकिन, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है मालिक लोग, नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिए। अरे ये सुबह सुबह हमारे घर के आगे कौन लेटा हुआ है? बॉबी जरा देखो तो। तुम बदतमीजी, मैं देखता हूँ। मालिक आप लोग आ गए। रमेश, तुम? रमेश बेटा, तू घर के बाहर सो रहा है, गांव नहीं गया? नहीं मालकिन, मैं तो आपके घर की रखवाली कर रहा था। अरे हमारी सोसाइटी में कौन सा चोर आ रहा था जो तू हमारे घर की रखवाली कर रहा था? अपने घर चला जाता, अपनी बीवी से मिलाता, अपनी माँ से मिलाता। चल कोई बात नहीं, चल हमारे साथ अंदर। जी मालिक। यार बॉबी, तुम 2 महीने से घर पे बैठे हो, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं यार प्रीत, टर्मिनेशन है और 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है बेटा, पर हम रमेश की तनख्वाह कहाँ से देंगे? तू तो घर पे ही बैठा है। माँ देखो, अब हमें रमेश को खुल के बताना ही पड़ेगा कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रीत, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, हम उससे ऐसे बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा। हम एक काम करते हैं, उसके पास जाकर उसे दिवाली के बहाने उसके घर भेज देते हैं, और जब वो वापस आएगा तो उससे कह देंगे कि तू लेट हो गया, हमने नया नौकर काम पे रख लिया। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ बेटा, ये बात तो तू सही कह रहा है। चल रमेश। जी मालकिन। सिलेंडर भरवाने जा रहा है, मत जा। ठीक है मालकिन, पर मालकिन सिलेंडर तो खत्म हो गया है और महीने की आखिरी तारीख है, तो सिलेंडर तो भरवाने जाना था। रमेश, 4 दिन बाद दिवाली है, तुम कब तक हमारे घर पे ऐसे काम करते रहोगे? ये लो तुम्हारी सैलरी लो और अपने घर वालों के साथ अच्छे से दिवाली मनाना। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी दिवाली
यही मनाऊं? 5 साल से आप लोगों के साथ रह रहा हूं, तो मैं सोच रहा था ये दिवाली भी यही मना लेता। देखो रमेश, मैं तुम्हें साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे पास अब जॉब नहीं है और हमारा इतना बजट भी नहीं है कि हम तुम्हें सैलरी दे सकें, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और हाँ, हर जगह ना प्यार दिखाना स्टार्ट मत कर दिया करो तुम, हर जगह अपना प्यार दिखाना शुरू कर देते हो, मत दिखाया करो इतना प्यार, हम इतना डिजर्व नहीं करते। ठीक है मालिक। देखो रमेश, तुम हमारी बात का बुरा मत मानो, हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है। अरे हमने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, तुम इतना प्यार करते हो हम लोगों को, लेकिन हम भी मजबूर हैं। तुम्हारे भैया की जॉब जा चुकी है, अब हम तुम्हें कैसे सैलरी देंगे, इसलिए अब हम तुम्हें ऐसे नहीं रख सकते, तुम चले जाओ। जी मालकिन, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, जो मुझे आपके घर में साफ साफ नजर आ रही है। अब आप लोग सही हैं, शायद मैं आप लोगों को अपने से ज़्यादा अपना मान बैठा था और मानता भी हूँ, पर अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। देख रमेश, तू बहुत अच्छा इंसान है, पर तू मुझे एक बात बता, तू 5 साल से अपने घर क्यों नहीं गया और तू अपने घर जाना क्यों नहीं चाहता? हाँ हाँ रमेश बताओ। हाँ रमेश बताओ, हम भी जानना चाहते हैं, आखिर तुम अपने गाँव अपने घर जाते क्यों नहीं हो? मालिक, जिंदगी में कभी आप लोगों ने बैठकर मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं है। सुबह उठता हूँ तो दिन भर काम करता हूँ, आप लोगों के लिए खाना बनाता हूँ, सूरज ढलते ही कोने में सो जाता हूँ। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा सवाल किया है मुझसे, मालिक कैसे जाऊं अपने घर? 5 साल पहले हमारी माँ जी का देहांत हो गया और उसी दौरान मेरी बीवी सदमे में मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फिर आप लोगों के पास आया तो इतना प्यार मिल गया कि मैं सारे दुख दर्द भूल गया। मालकिन जब जब मुझे पैसा देती हैं और कहती हैं कि अपने गांव चला जा, तो ऐसा लगता है कि कलेजे पे किसी ने चाकू मार दिया। और मालकिन, आखिर कौन व्यक्ति अपने घर अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता है, उसके पास जाना नहीं चाहता है? पर दिवाली पे जाऊंगा तो घर पे कोई दिया जलाने वाला नहीं है, मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं है जो कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं तो आपके घर को ही अपना घर समझ बैठा था, अपने पूरे घर को नहीं, आपके घर के एक थोड़े से कोने में ही मुझे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि आप सब अपने हो। मालकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं अपना, चला जाऊंगा मालिक, मालकिन चला जाऊंगा मैं। एक मिनट रमेश। नहीं नहीं मालकिन, अब हमें आपके सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि जब आप लोग घर से बाहर जाते तो मैं आपके दरवाजे के बाहर सो जाता हूँ, आप सबको अपना समझता हूँ। और वैसे घर क्या जाऊँ मालकिन, ना मेरा वहाँ कोई घर है और ना कोई अपना, पर मालकिन यहाँ कौन अपना है, जाना तो पड़ेगा, अकेले आए हैं और अकेले रहना पड़ेगा। रमेश प्लीज हमें माफ कर दो, अरे इतनी बड़ी बात तुमने हमें आज तक बताई ही नहीं, हमें कैसे पता चलता? और अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें अपनी इस मजबूरी में भी कभी नहीं छोड़ते, हम तुम्हें अपने साथ रखते। कोई बात नहीं मालकिन, अब आप सब लोग इतने बड़े और मैं कहां एक कमतर व्यक्ति, आप लोगों के बीच में मैं कभी बैठ नहीं सकता और कभी आपने पूछा भी नहीं, तो फिर मैंने अपने दिल की बातें आप लोगों से कभी साझा नहीं करी। नहीं रमेश, अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारे साथ हमारे घर पर रहेगा और दिवाली हमारे साथ ही बनाएगा। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई, उसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है,
पर अब तू कहीं नहीं जाएगा, यही हमारे साथ रहेगा। और हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना, चल। हर दिवाली पे लोग पैसे और मिठाइयाँ तो बहुत बांटते हैं, पर अगर हो सके तो इस बार इनके साथ साथ आप प्यार भी बांटिए और मुस्कुराइए।